जोजो किड्स। उल्लू की सीख। एक बार जब उल्लू रात में जगा हुआ था, उसने एक सुंदर सी चिड़िया को गाते हुए सुना। अरे, इतनी रात में कौन गा रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। उल्लू जब उड़ता हुआ आगे बढ़ा, उसने एक कोयल को पेड़ पर बैठे हुए देखा। अरे, ये तो कुकु कोयल है। कैसी हो कुकु कोयल? मैं ठीक हूँ। इतनी रात में क्यों गा रही हो? मैंने तो तुम्हें कभी रात में गाते हुए नहीं देखा। तुम ठीक कहते हो, मैं पहले कभी रात में नहीं जागती थी, पर क्या करूं, दिन में मेरी मीठी आवाज सुनकर हमेशा कोई ना कोई शिकारी मेरा पीछा करने लगता है। कल भी ऐसा ही हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब हमेशा अपने गाने का शौक रात में ही गाकर पूरा करूंगी। इस तरह कोई शिकारी मेरा शिकार भी नहीं कर पाएगा और मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। तुम्हें इससे कोई तकलीफ तो नहीं? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये उपाय ठीक नहीं। शिकारी तो रात में भी आसानी से तुम्हें पकड़ सकता है, क्योंकि और कोई पक्षी रात में नहीं जागता। और दूसरी बात ये कि इस तरह तुम जंगल के बाकी जानवरों को परेशान करोगी। वो नींद में होंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो रात में जागता हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कुकू। लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें फर्क पड़ेगा। कोयल को उल्लू की बात समझ आ गई। मगर मैं अपने डर का क्या करूं? मुझे शिकारी से बहुत डर लगता है। हमेशा सचेत रहो, शिकारियों से डरकर जीवन नहीं जिया जा सकता। शिकारी हर जगह है, दिन में भी रात में भी। हमेशा चौकन्ने रहो। और हमारा जंगल बहुत अच्छा है, सभी जीव एक दूसरे की अच्छे से मदद करते हैं। घबराओ नहीं, अपने जीवन को अच्छे से जियो। तुम ठीक कहते हो, तुम बहुत अच्छे हो। कितनी अच्छी तरह तुमने मुझे मेरे डर से बाहर निकाल दिया। मैं कल से अपनी दिनचर्या पहले जैसी ही रखूंगी और कभी किसी से नहीं डरूंगी। और इस तरह उल्लू की मदद से कुकु चिड़िया का डर हमेशा के लिए निकल गया। चींटी को सबक। एक चींटी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, जिस पर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। अचानक चींटी कबूतर से मजाक करते हुए बोली, तुम्हारा घर कितना सख्त है, ये टूटी हुई टहनियों से बना है, इसमें कोई छत नहीं है और कच्चा दिखता है। मुझे लगता है कि मेरा घर जो मेरा खोल है, आपके घोंसले से बहुत अच्छा है। हाँ, ये टूटी हुई हड्डियों से बना है, सख्त दिखता है और यह कच्चा है, लेकिन मैंने इसे बनाया है और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह किसी भी अन्य घोंसले की तरह है, लेकिन मेरी तुलना में बेहतर नहीं है। तुम्हें मेरे खोल से ईर्ष्या होनी चाहिए। मेरे घर में मेरे परिवार और दोस्त के लिए जगह है, लेकिन आपने तो अपने साथियों को छोड़कर अकेले खोल में रहना शुरू कर दिया। मुसीबत में तुम अकेली हो जाओगी। शायद आपके पास एक बेहतर घर हो, लेकिन मेरे पास एक पूरा परिवार है, वही मेरा घर है। चींटी चुप हो गई और फिर अपने परिवार के बारे में सोचने लगी। कबूतर सही कह रहा है, मेरे पास अच्छा घर है, लेकिन मेरा परिवार तो नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चींटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबूतर से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा या फिर उन्हें अपने साथ यहाँ लाना होगा। एक साथ रहने में जो मजा है, अकेले रहने में बिल्कुल नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। एक भीड़ वाली हवेली से बेहतर भीड़ वाली झोपड़ी होती है। परिवार सबसे अनमोल होता है।
हाथी और उसके सवाल। एक जंगल में हाथी का छोटा बच्चा था, उसका नाम था टोफू। टोफू को सवाल पूछने की बड़ी गंदी आदत थी। उसकी माँ उसके सवालों से हमेशा परेशान हो जाती। एक दिन वह अपनी माँ से पूछने लगा, माँ हमारी सूंड इतनी लंबी क्यों है, बाकी जानवरों की तो नहीं है? टोफू बेटा, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है। हमारी सूंड हमारी सुंदरता बढ़ाती है। हम एक ही समय में बहुत सारा पानी पी जाते हैं। टोफू को माँ की बात समझ आ जाती है। फिर वह अपने दोस्त चूहे और मगरमच्छ के पास जाता है, फिर जाकर उनसे भी सवाल करने लगता है। टोफू पहले अपने दोस्त चूहे से पूछता है, दोस्त चूहे तुम इतने छोटे क्यों हो, हम देखो कितने बड़े हैं, फिर तुम छोटे क्यों? टोफू हम तुम सबसे छोटे जरूर हैं, लेकिन हम छोटी सी जगह में आसानी से घुस जाते हैं जहां तुम बड़े नहीं जा सकते। ये ही है हमारी खासियत। हाँ दोस्तों तुम सही कह रहे हो। फिर टोफू ने मगरमच्छ से पूछा, दोस्त मगरमच्छ तुम पानी में बड़ी आसानी से रह लेते हो लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, आप पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकते? मगरमच्छ टोफू की आदत को अच्छे से जानता था। अरे दोस्त हम पानी में रहकर आसानी से शिकार पकड़ सकते हैं, जैसे कि आप बाहर आसानी से अपना भोजन कर सकते हो। टोफू को सब समझ आ गया था। टोफू की माँ वहीं सबकी बातें सुन रही थी। वह यह सब सुनकर आई और बोलने लगी, टोफू बेटा अब तुम्हें समझ में आ गया है कि हर जानवर को भगवान ने अलग अलग रूप क्यों दिए हैं। बेटा सभी जानवर अपनी अपनी खासियत के साथ धरती पर आए हैं। हाँ माँ मुझे सब समझ में आ रहा है। माँ ने टोफू को गले लगा लिया और दोनों अपने घर चले गए। भगवान ने जो हमें दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। समझदार हिरन। चंदा एक समझदार और चतुर हिरन था। वह कई बार सोना मगरमच्छ से बच जाता था जो हमेशा चंदा को खाने की इच्छा रखता था। एक दिन चंदा हिरन ने नदी के उस पार रसीले फल देखे और उन्हें खाने की इच्छा की, मगर उस नदी में सोना मगरमच्छ रहता था। चंदा मगरमच्छ सोना से बचने का उपाय सोचने लगा। उसे एक अनोखी योजना मिली। वह सोना को बुलाने लगा और कहा, अरे सोना मगरमच्छ, राजा जी ने सभी जानवरों के लिए दावत रखी है और मुझे जंगल के सभी मगरमच्छों की गिनती करनी है ताकि राजा जी खाने का इंतजाम कर सके। क्या तुम अपने मगरमच्छ दोस्तों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हो, मैं उन्हें गिनना चाहता हूँ। सोना यह सुन खुश हुआ और चंदा की बात मान ली। सभी मगरमच्छ कतार में खड़े हो गए और चंदा एक एक मगरमच्छ पे चढ़ने लगा। एक एक करके वह सबको गिनता गया और नदी के उस पार पहुंच गया। इस चालाकी से उसने नदी को भी पार कर लिया और अपने बसिन के सभी फल खा लिए। धीरे धीरे सभी मगरमच्छ उसकी इस चालाकी को समझ गए और फिर वहां से चले गए। सभी मगरमच्छों को समझ में आ गया था कि चंदा की एक चाल थी। चंदा खूब हंसने लगा और रसीले फल खाकर मस्ती से जीने लगा। घोड़ा और शैतान बंदर। बहुत घने जंगल में एक घोड़ा था। वह बहुत ही शरीफ था, मगर उसे जंगल के बाकी जानवर हमेशा छेड़ते रहते थे। एक दिन घोड़ा नदी के पास पानी पीने जा रहा था, तभी वहां बंदर और उसके दोस्त घोड़े को चिढ़ाने लगे। उनमें से एक बंदर बोला, देखो देखो दोस्तों घोड़ा पानी पीने जा रहा है, उसकी पूंछ देखो कैसे लहरा रही है, घोड़े के पैर कैसे आवाज कर रहे हैं, टक टक टक। सभी बंदर घोड़े पर हंसने लगे। दोस्तों तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मगर बंदर नहीं माने और घोड़े की पूंछ खींचने लगे।
घोड़ा उदास होकर वहाँ से चला गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी सभी बंदर आए और सोते हुए घोड़े को सताने लगे, उसकी पूंछ खींचने लगे। जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। घोड़ा बहुत बेचैन हो उठा। सभी बंदर वहाँ से भाग गए। घोड़े को पेड़ पर बैठा बास देख रहा था। वह घोड़े के पास आकर बोला, अरे दोस्त, मैं ऊपर से सब देख रहा था। ये दुष्ट बंदर तुम्हें कैसे परेशान कर रहे थे। तुम्हें भी उन सबको मजा चखाना चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्त, मेरा साथ देने के लिए। जब बंदर सो रहे होंगे हम तभी उनका मुकाबला करेंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। दिन में जब सभी बंदर सो रहे थे तब घोड़ा और उसका दोस्त बाज आए। मैं इन बंदरों को अपनी पूंछ और टांग से मारूंगा और तुम चोंच से इन पर वार करना। इन्हें भी तो पता चले सोते हुए दूसरों को सताने में कितना मजा आता है। ठीक है ठीक है। घोड़ा और बाज उन पर वार करने लगे। सभी बंदर इधर उधर भागने लगे। अरे ये कौन आ गया? अरे इस गधे की इतनी हिम्मत! अरे अरे बचाओ बचाओ! अरे बचाओ, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेंगे। तुरंत ही बंदरों ने अपनी गलती की माफी घोड़े से मांगी। तब घोड़े ने उन्हें समझाया, देखो जब कोई सो रहा होता है तो उसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। खबरदार, आज के बाद मुझे इस तरह परेशान मत करना। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आलसी कौआ, प्यारी सी चिड़िया। एक पेड़ पर कौआ रहता था। वह बड़ा ही आलसी था। उसे कभी भी किसी चीज की फिक्र नहीं रहती थी। उसका घोंसला भी टूटा फूटा सा था। कौआ मन ही मन सोचने लगा, कौन करे घर की मरम्मत, ऐसे ही सब ठीक है। सर पर बस छत होनी चाहिए, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। अरे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। उसी रात को तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तूफान इतना तेज था कि कौवे का पूरा घर टूट गया। कौवा पूरा भीग गया और परेशान हो गया। अरे ये आज बारिश क्यों हो गई? जैसा भी था टूटा फूटा घर तो था। अरे इस बारिश तूफान ने मेरा घर ही तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पूरी तरह से भीग गया हूँ। अरे मैं तो भीग गया, मेरा घर भी टूट गया। कितनी ठंड है। चलो मैं कुछ समय के लिए चिड़िया के घर चला जाता हूँ, उसका घर तो बहुत मजबूत भी है। कौवा उड़कर चिड़िया के घर पहुँचा और जोर जोर से चिड़िया को आवाज लगाने लगा। अरे चिड़िया रानी, अरे चिड़िया रानी सुनो सुनो, बहन चिड़िया जल्दी आओ जल्दी आओ, दरवाजा खोलो, मैं पूरा भीग गया हूँ। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर पर आसरा दे दो। चिड़िया ने दरवाजा खोला और बोली, हाँ हाँ कौवे भाई जल्दी आओ, आप तो पूरी तरह से भीग गए हो, ये सब कैसे हुआ? अरे मेरा घर तेज हवा के कारण उड़ गया, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ हाँ कौवे भाई, तुम यहाँ आराम से रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। कुछ समय बाद जब बारिश रुकी तो कौवा चिड़िया के घर से नहीं गया, उसने वहीं रहने का इरादा कर लिया। अरे अब कौन नया घर बनाए, ये बड़ी मुसीबत है। क्यों ना इस चिड़िया के घर को ही अपना घर बना लूं, सबसे अच्छी जगह है। कौवे भाई बारिश रुक गई है, जाओ और अपना नया घर बनाओ। हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे अब यहीं रहना है। कौन बनाए अब नया घर, तुम बना लो कहीं और, मैं तो यहीं रहूंगा। चिड़िया को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा आने लगा। उसने कौवे को चोंच से मारना शुरू कर दिया। अरे 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 क्यों मार रही हो, अरे छोड़ो अरे छोड़ो, अरे जाता हूँ। कौवा वहाँ से भाग निकला और इस तरह प्यारी सी चिड़िया ने अपना प्यारा सा घर उस कौवे से बचा लिया। इसीलिए कहते हैं हमें आलस नहीं करना चाहिए और दूसरों की दी मदद का फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।